आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। नमस्कार। तस्वीरें बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय की, और तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर भारत जोड़ो आंदोलन के तहत कांग्रेस पार्टी का पद यात्रा का आयोजन चांद बेगम अध्यक्ष प्रखंड कांग्रेस कमेटी गम्हरिया की अध्यक्षता में किया गया। मौके पर तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मोहम्मद वसी अहमद, विजय प्रसाद सिंह, अश्विनी कुमार, दिलीप यादव, शाहिद राज, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद जलाल, मंजूर आलम, मोहम्मद जैनुल आदि अन्य तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। इंकलाब जिंदाबाद, देश जोड़ो अभियान, देश जोड़ो अभियान, देश जोड़ो अभियान। महंगाई नहीं सहेंगे, इतनी महंगाई नहीं सहेंगे, इतनी महंगाई नहीं सहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गोरों से पहले लड़ा था, 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 गोरों से। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, देश जोड़ो अभियान मांग रहा है हिंदुस्तान, देश जोड़ो अभियान, देश जोड़ो अभियान। क्या नाम है आपका? वसी अहमद। वसी अहमद, आप ये जो पद यात्रा निकाल रहे हैं, क्यों निकाले, इस बारे में जरा जानकारी दीजिए। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो अभियान चल रहा है। जिस तरह से भाजपा देश को तोड़ने का काम कर रहा है, देश को तोड़ रहा है, इस तरह से कांग्रेस भी पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए कांग्रेस ने घर घर में, हर जगह, पूरे देश में, हर प्रखंड में, हर राज्य में, देश के कोना कोना में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में जोड़ने का काम किया है। इसलिए भारत जोड़ो अभियान का शुरुआत किया गया है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों? हम देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से तंग आकर के पूरे देशवासी परेशान है। इसलिए इस बार कांग्रेस की सरकार पूरे देश में लाना है। अगर आप कांग्रेस की सरकार नहीं लाते हैं तो हम लोग आपस में टूट जाएंगे। और ये जो पद यात्रा आपने निकाला है तो खास करके कितने दिनों का कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम महीनों दिनों का है। पूरे देश में हमको जाना है, पूरे देश में जाना है, हर राज्यों में जाना है। आगे आपका मतलब लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि पूरे देश में भाई भाई को एक करना है, एकजुट भारत एकजुट करना है, और यह महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना है। और क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है चोरों से। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कि आज पूरे देश में एक एक व्यक्ति परेशान है। यहाँ तो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वा करके और पूरा धन, सारे महंगाई, जितना भी महंगाई बढ़ा करके इस धन को अडानी के यहाँ जमा कर दिया गया है। आप इन्हीं महंगाई के खिलाफ ये पद यात्रा निकाले हैं? महंगाई के खिलाफ निकाले हैं, और बेरोजगारी के खिलाफ निकाले हैं। और कोई संदेश देना चाहेंगे? और कोई संदेश देना चाहेंगे देशवासियों? और संदेश यही है, महागठबंधन की सरकार बिहार में फले फूले, आगे बढ़े, सब जनता की सरकार है। महागठबंधन की सरकार को हम लोग तहे दिल से। आप देख रहे थे मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। जय हिंद।